दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ जेस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 अक्टूबर 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, लोहा बाजार में आज मजबूती देखी गई और 500 रुपये से 600 रुपये तक की तेजी अलग अलग आइटम में देखी गई, यानी ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों लोहा बाजार हमेशा से ही रहस्यमय रहा है, ये तेजी से गिरने के बाद एकदम से तेजी जंप दिखाता है और तेजी के बाद एकदम से कमजोरी दिखा देता है। तो दोस्तों ये तेजी और मंदी का खेल लगातार चलता है, जिस प्रकार सांस का आना और जाना रहता है, दुख और सुख, रात और दिन। तो दोस्तों आज की मंडियों में कुल मिला के तेजी का भाव रहा। शाम 6 बजे तक मंडी गोविंदगढ़ एमएस इनगढ़ के दाम में 500 रुपये की तेजी देखी गई मंडी गोविंदगढ़ में, साथ साथ कोटद्वार में 600 रुपये और दुर्गापुर के अंदर 100 की तेजी रही। कोलकाता में 41,300 100 की तेजी गई, जबकि इंदौर में 500 रुपये की अच्छी तेजी देखी गई, 43,200 के भाव देखे गए। रायगढ़ में 600 की अच्छी तेजी देखी गई, 40,700 के भाव देखे गए। पुराने लोहे में भी लगभग 100 रुपये से 600 रुपये तक की तेजी अलग अलग मंडियों में, अलग अलग बाजारों में देखी गई। मंडी गोविंदगढ़ में पुराना लोहा 500 रुपये तेज होकर 33,200, मंडी मेल्टिंग स्क्रैप 36,700 रहे। कोटद्वार के अंदर 33,100 600 की तेजी थी, भिवारी के अंदर 200 की तेजी और गाजियाबाद के अंदर पुराना लोहा 37,500 पे ट्रेड हुआ, यहाँ पे 300 रुपये की गिरावट थी। इंदौर मेल्टिंग 35,500 300 की तेजी, इंदौर 34,700 200 की तेजी। जयपुर के अंदर 100 रुपये की मामूली तेजी दिखाई दी 34,300। जम्मू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहा, 34,500 के भाव रहे। कानपुर में 200 की तेजी, लुधियाना में 600 की तेजी, 38,000 के भाव पुराने लोहे के रहे। मुजफ्फरनगर 38,500 100 की तेजी, मुंबई 34,500 500 की गिरावट थी यहाँ। नागपुर के अंदर 32,200 की तेजी, रायगढ़ के अंदर 36,600 की बड़ी तेजी, रायपुर 36,100 500 की बड़ी तेजी, राउरकेला 600 की तेजी होके 35,500 के भाव, जालना सुपर 33,000, जालना मेल्टिंग 34,000, जालना में कोई परिवर्तन भावों में नहीं देखे गए। दिल्ली के अंदर भी कोई भाव परिवर्तन नहीं हुए 38,000 के भाव। अहमदाबाद में 500 रुपये की गिरावट देखी गई 33,000 के भाव। हैदराबाद 30,300 300 की तेजी, रायपुर एंड कटिंग 38,000 1,000 की बड़ी तेजी थी। चेन्नई 32,200 के भाव थे। बिलेट के प्राइसेस के अंदर भी लगभग 100 रुपये से 800 रुपये की तेजी देखी गई, मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 500 की तेजी, बिलेट के अंदर 44,400 के भाव, दुर्गापुर 41,200 की गिरावट, कोलकाता 100 की तेजी और रायगढ़ में 41,100 के भाव 800 रुपये की शानदार तेजी एमएस बिलेट में देखी गई। स्पॉनेज प्राइजेस के अंदर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहा, मंडी गोविंदगढ़ कोई चेंज नहीं रहा, जयपुर कोई चेंज नहीं, रायगढ़ राउरकेला कोई चेंज नहीं, दुर्गापुर के अंदर 100 रुपये की तेजी के साथ 30,000 और रायपुर 29,300 यहाँ पे 100 की गिरावट थी। पैलेट के अंदर भावों में भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया, लगभग 100 रुपये की मामूली बढ़त देखी गई, दुर्गापुर 27,900 100 की बढ़त, रायगढ़ 37,400 कोई चेंज नहीं, रायपुर 27,900 100 की गिरावट और राउरकेला 37,500 कोई परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों ये तो एमएस इनगट, बुलेट, पुराना लोहा, स्पॉनेज और पैलेट के भाव के बारे में अपडेट है। दोस्तों अब लोहा बाजार उस दोहराए पर आ गया है कि आप माल खरीदें या नहीं खरीदें, क्या बड़ा तेजी और आने वाली है या बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। दोस्तों इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल देश दुनिया के अंदर पहला चैनल है जो आपको तेजी और मंदी का अग्रिम अनुमान देता है, पहचान कराता है। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।